चंडीगढ़ में एसवाईएल विवाद पर आज हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच बड़ी बैठक होगी। शाम 4 बजे इसका समय है और बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत करेंगे। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच इस विवाद को लेकर यह तीसरी बैठक है। हरियाणा सरकार ने उम्मीद जताई है कि इस मुद्दे को हल करने के लिए पंजाब सरकार सहयोग करेगी। इससे पहले भी दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच 14 अक्टूबर 2022 और 4 जनवरी 2023 को बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक में जल शक्ति मंत्री भी मौजूद रहे थे। हरियाणा सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि एसवाईएल नहर पर हुई सभी बैठकें पंजाब सरकार के रवैये के चलते बेनतीजा रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री उधर भगवंत मान का कहना है कि राज्य के पास साझा करने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आज का दिन कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ स्टेट लेवल दिशा कमेटी की बड़ी बैठक हुई है और अब एसवाईएल विवाद को लेकर दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक को लेकर क्या जानकारी है? शाम 4 बजे का समय बताया गया है। बिल्कुल, आज हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाईएल के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। करीब 4 बजे का वक्त है। चंडीगढ़ के एक होटल में ये बैठक जो है वो हरियाणा और पंजाब के बीच होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। इस बैठक में एसवाईएल के नहर के निर्माण को लेकर चर्चा की जाएगी। इससे पहले भी हरियाणा और पंजाब के बीच बैठक हो चुकी है, लेकिन बैठक बेनतीजा रही है। पंजाब सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि पंजाब के पास अब पानी नहीं है इतना कि हरियाणा को पानी दिया जा सके। पंजाब सरकार का बार बार यही कहना है कि पंजाब के किसान जो है उनको भी जो वो पानी की जरूरत है और ऐसे में अब पंजाब पानी देने की स्थिति में नहीं है। इसी के चलते बैठक लगातार बेनतीजा रही है। आज की बैठक में क्या कुछ चर्चा होती है, क्या निकल कर आता है, इसके ऊपर नजर रहेगी। लेकिन पंजाब के मंत्रियों का, पंजाब के किसानों का, पंजाब की सरकार का, पंजाब के अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनका जो रुख है वो साफ है। वो एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिले इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन हरियाणा सरकार का ये कहना है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये कहना है कि वे कानून का सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और ऐसे में पंजाब को सहयोग करना चाहिए। बहरहाल देखना यही होगा कि आज की इस बैठक में किस तरीके से चर्चा को आगे बढ़ाया जाता है और बैठक के बाद क्या निकलकर सामने आता है। पवन, दो चीजें एक और, एक तो लगातार बात इस बात को लेकर होती है कि अरविंद केजरीवाल अपना स्टैंड क्लियर करें, आम आदमी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे, क्या रखते हैं वो लोग राय इस बात को लेकर, और दूसरा बैठक से पहले किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। चूंकि दो चीजों का जिक्र आपने किया, एक तरफ किसान और पंजाब सरकार के जो मंत्री हैं वो अपनी चीजों को लेकर पहले स्टैंड क्लियर कर चुके हैं, तनाव कहा जाए अभी भी काफी ज्यादा तनाव जो माहौल है तनाव भरा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज पंजाब के कई किसान जो हैं वो चंडीगढ़ और जो पंजाब का बॉर्डर है वो हाली जो क्षेत्र है वहां पर पहुंचे हैं। पुलिस ने उनको बैरिकेड लगाकर वहां पर रोक लिया है। यानी पंजाब के किसान जब इस तरीके की बैठक होती है तो अपना जो दबाव एक तरीके से बनाने का प्रयास जो है वो करते हैं। और पंजाब के ना केवल किसान बल्कि पंजाब के राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी है या पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की इकाई है या फिर अकाली दल है, तमाम जो राजनीतिक दल है वो भी एसवाईएल का पानी हरियाणा को देने के पक्ष में नहीं है। उनका यही कहना है कि पंजाब के किसान के पास पानी नहीं है, ऐसे में पंजाब हरियाणा को पानी नहीं दे सकता है। और मौजूदा सरकार की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी के स्टैंड की बात करें, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के तमाम नेता मंत्री यही कहते हैं कि पंजाब अब पानी जो बंटवारा हुआ था उस वक्त पानी पंजाब के पास था, लेकिन आज पंजाब के पास उतना पानी नहीं है कि हरियाणा को पानी दिया जा सके। ऐसे में पंजाब में आम आदमी पार्टी का रुख साफ है, लेकिन हरियाणा के जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख है अरविंद केजरीवाल वो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, तो वे अपना स्टैंड साफ करें और ये बताएं कि उनकी पार्टी की जो पंजाब में सरकार है वो हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिले इसके पक्ष में है या नहीं है। ऐसे में जो वो पूरे मामले पर राजनीतिक लगातार बयानबाजी है वो हो रही है। बहरहाल आज की बैठक पर सभी की नजरें हैं, इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा। एक बार फिर बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। तो बड़ी बैठक आज होगी, 4 बजे का समय है और बीच का रास्ता क्या निकल कर आता है यही सबसे महत्वपूर्ण है। चूंकि जनवरी के महीने में और पहले ही सप्ताह में
सर्वोच्च अदालत में इस मामले को लेकर एक बार फिर सुनवाई होगी और उस वक्त ये पूछा जाएगा कि बैठक में क्या हुआ। चूंकि पूर्व की बैठकें तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं, लेकिन आज की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। हालांकि जो माहौल है उससे पहले, बैठक की शुरुआत से पहले, वो कहीं ना कहीं अभी पहले की तरह ही बना हुआ है।